अभी अभी ये गाड़ी बैजनाथपुर में ईवीएम भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। देखिए ईवीएम जिस बक्से में आता है वो बक्सा था सारठ का, खाली बक्सा था, हम लोगों ने देखा भी रियल में खाली था। लेकिन जब हर चीज में चुनाव आयोग के प्रतिनिधि डीसी साहब सारे जनप्रतिनिधियों को बुला के दिखा लेते, मॉक पोल हो चाहे बक्सा ईवीएम मशीन हो सब दिखाते, तो ये यदि उनको भेजना था तो पांच को प्रतिनिधि को बोला के दिखा लेते, और नहीं दिखाए चुपचाप भेज रहे थे और हमारे लोगों ने पकड़ा, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। क्या संदेह पैदा कर रहा है? यही है कि अब हो सकता है ये ईवीएम सारठ नहीं गया था, दूसरा जगह चला गया, उसमें भर के बीजेपी का वोट दे दिया। कितने बक्सा थे उसमें? लगभग 30 होंगे, 25 से 50 करें बीजेपी को फायदा पहुँचाने। निश्चित रूप से प्रशासन तो चुनाव के दिन से ही जितने अर्धसैनिक बल आए थे सारे लोग बीजेपी की ओर इंगित कर रहे थे, और बीजेपी सरकार जो है वो इसके बदौलत जीतने माने अपने ताकत के बदौलत प्रशासन के बदौलत जीतना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर ये जो है एग्जिट पोल बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया उनके पक्ष में, और उनको मेकअप करने के लिए ऐसा पक्षा जा रहा है। एग्जिट पोल पर भी शंका है? नहीं नहीं, एग्जिट पोल पर हमको शंका नहीं है, एग्जिट पोल वो करवा लिए, अब यदि उतना हो जाएगा बक्सा बदल के तो कोई नहीं शक करेगा, ये बक्सा बदला बदली का बात वही एग्जिट पोल को प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है।